दिल्ली के चपरासियों की ट्रांसफर पॉलिसी बनाओगे बैठ के प्रधानमंत्री बन के? आप केंद्र चलाओ ना, आप दिल्ली के अंदर क्यों दखलअंदाजी कर रहे हो? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 7-8 साल में बिना किसी पावर के भी हम लोगों ने जो काम किए हैं, हमने इतने शानदार स्कूल बनाए, इतने शानदार अस्पताल बनाए, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी घर घर पहुंचा रहे हैं, सड़कें बनाई, इतने सारे काम हम लोगों ने कर दिए, इनसे वो काम नहीं हो रहे। 30-30 साल से गुजरात के अंदर इनकी सरकारें बेड़ा गर्क है गुजरात का, हरियाणा के अंदर इनकी सरकार बनी, हरियाणा में बेड़ा गर्क है इनका, मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार है, मणिपुर को जला दिया इन लोगों ने। इसलिए केजरीवाल के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, काम में कंपटीशन नहीं कर सकते, हमारे जैसे काम नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी के जैसे काम नहीं कर सकते, इसलिए केजरीवाल को काम करने से रोको, किसी भी तरह से केजरीवाल को काम करने से रोको, बस ये इनका मकसद है। मैं सुन रहा था अमित शाह जी को, वहां पे संसद में भाषण दे रहे थे, कहते हैं झगड़ते बहुत हैं ये लोग, झगड़ते बहुत हैं ये लोग, मैं स्कूल बनाता हूं ये मेरे को स्कूल नहीं बना देते, फिर मैं जब इनसे कहता हूं मेरे को स्कूल बना देने दो तो कहते झगड़ता बहुत है केजरीवाल, मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं मेरे मोहल्ला क्लिनिक तोड़वा दिए इन लोगों ने, फिर कहते हैं केजरीवाल झगड़ता बहुत है, मैं इनको कहता हूं मेरे को मोहल्ला क्लिनिक बनाने दो, मैं अस्पताल में दवाइयां फ्री करता हूं कहते हैं दवाइयां फ्री क्यों करता है, मैं बिजली फ्री करता हूं कहते हैं केजरीवाल फ्री भी दे रहा है, फ्री की रेवड़ियां दे रहा है, कहते हैं झगड़ते बहुत हैं। मैं जो भी करता हूं, चाहे झगड़ता हूं चाहे जो भी करता हूं, दिल्ली के लोगों को पसंद हूं, इसीलिए 3 बार 4-4 बार दिल्ली के लोगों ने मेरे को, जो भी कर रहा हूं ठीक ही कर रहा हूंगा, तभी 4-4 बार लोगों ने हमें वोट दिया। और होम मिनिस्टर अमित शाह जी क्या कहते हैं, मैंने सुना उनको संसद में, हमारे पास पावर है, संविधान ने हमें पावर दी है कानून पास करने की, हमारे पास पावर है, हमें सुप्रीम कोर्ट ने पावर दिया है ये कानून पास करने की। अरे आपको पावर दी है जनता की सेवा करने की, जनता के ऊपर अत्याचार करने के लिए पावर नहीं दी है आपको, इतना घमंड मत कीजिए अमित शाह जी। आपको पावर दी गई है ताकि आप विकास करें देश का, आपको पावर दी गई है ताकि आप देश के लोगों को शक्तिशाली बनाएं, आपको पावर इसलिए नहीं दी गई है कि आप देश के लोगों को लाचार बना दें और उनके वोट का अधिकार छीन लें। ये जो आप पावर 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 कर रहे हो, ये पावर आपको जनता की सेवा करने के लिए दी गई है। मैंने देखा है अमित शाह जी पिछले चुनाव में आप घर 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 जाके दिल्ली के अंदर पर्चे बांट रहे थे, एक एक घर में जाके आप पर्चे बांट रहे थे, दिल्ली के लोगों ने आपको नकार दिया, अब आप दिल्ली के लोगों को तमाचा मारने आ गए। केजरीवाल से नफरत करते करते इस नफरत में इतने अंधे हो गए कि आपने दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करना चालू कर दिया। और मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी आप खुद आए थे दिल्ली, आपका भाषण उठा के देखिए, आपने दिल्ली की जनता को प्रॉमिस किया था कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं अब दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाऊंगा। उसके पहले हर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किए हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए, और आज आप लोगों ने दिल्ली के लोगों